वेलकम बैक माई चैनल आई होप सब ठीक होंगे अलहमदिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आज मैं आप लोगों को अपने बहुत ही क्यूट सी फैमिली मेम्बर से मिलवाती हूँ ये हम लोगों ने अपने घर में पर्शियन कैट रखी हुई है तो अब इसके माशाल्लाह पांच बेबीज़ भी हैं तो लेकिन जब हम लोग ये तकरीबन तो ये पाँच छः माह पहले हम लोग लेके आए थे ये मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा शौक़ था कैट का तो उसके बाबा फिर उसके लिए लेके आए थे कैट तो उसके बाद ये माशाल्लाह पांच बहुत ही क्यूट क्यूट से इसने बेबीज़ दिए हैं तो माशाल्लाह बहुत ही सारे माशाल्लाह इसके बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं मैं आप लोगों को इसका घर भी दिखाती हूँ ये देखिए इसका बहुत ही प्यारा घर था ये भी हम लोगों ने अलहदा से बाय किया था इसका घर ये छोटा सा घर है पिंक कलर का बहुत ही प्यारा इसके अंदर ही इसने बच्चे अपने दिए थे और ये जो माशाल्लाह सारे आप लोग देख रहे हैं ये पांच बच्चे हैं सारे मतलब के डिफरेंट तरह के बेबीज़ हैं इसके कुछ ऊपर से ब्राउन है ज़्यादा वाइट भी हैं तो माशा ये बहुत ही ये हम लोग इसका इनका ख्याल रखते हैं इनके बच्चों का ये देखें ये जो ये वाला इसके सर के ऊपर वाइट ब्लैक ब्लैक से बाल हैं वैसे ये बिल्कुल ही वाइट है पांच बच्चे हैं इसके बाकी भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये देखें बहुत ही क्यूट से माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लगते हैं तो जो हम लोग अपनी कैट को देते हैं वह हम लोग इसको दूध देते हैं और हम लोग को साथ इसको फीड देते हैं ये फीड जो आसानी से हम लोग को मार्केट में मिल जाएगी वो हम लोग उसके पैकेट बड़ा लेके आते हैं ये देखिए बहुत ही प्यारी कैट थी ये वाली जो इसने बच्चे दिए हैं इसने डेढ़ माह बाज़ इसने ये बेबीज़ दिए हैं पाँच अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने सारे अपने घर में रखे हुए हैं क्योंकि बाहर सर्दी होती है तो अभी तो हम हम लोगों ने एक कमरा खाली किया हुआ है इनके लिए ड्राइंग रूम तो इनके लिए हम लोगों ने हीटर भी लगाया हुआ है ताकि बच्चों को सर्दी वगैरह ना लगे तो अभी हम लोगों ने सारे तो घर में नहीं रखने हैं लेकिन एक एक या दो हम लोग घर में रखेंगे बाकी जो हमारा फार्म है जहाँ जहाँ पे हमारे जानवर वगैरह होते हैं वहाँ ले कर सारे बाकी हम लोगों ने वहाँ रखने हैं ये सारे फिफ्टीन डेज़ के हो गए हैं आज तो जब ये इनकी बर्थ हुई थी तो ये इनकी जो आइज थी वो बिल्कुल बंद थी टेन डेज़ बस इन्होंने ऐसा ऐसा से अपनी आइज़ ओपन करनी शुरू की थी क्योंकि बिल्कुल ही इनको नज़र नहीं आता जब जब, जब इनकी जब पैदाइश होती है उसके बाद ये दस दिन तक बिल्कुल भी नहीं देख सकते जहाँ पे ये लेटे हैं बस ये लेटे ही रहते हैं या हम ये फीड करते हैं मदर फीड करते हैं तो उसके अलावा ये कुछ नहीं खाते अभी भी ये ऐसा ऐसा मतलब कि इन्होंने चलना शुरू किया है इतना स्पीड से नहीं ये भागते अभी अब ये बच्चे इसके अभी छोटे हैं तो आप लोग जैसे चाहें इसको वैसे ही आदि कर सकते हैं तो हम लोग इसको अब फीड पे भी आदि करेंगे और दूसरे दूध पे भी आदि करेंगे क्योंकि अगर हम लोगों ने इन बच्चों को सेपरेट भी रखना हुआ माँ से तो ये बिल्कुल ईजीली ले लेंगे जो रोटी वगैरह होती है वो बच्चों को देती है जो भी चीज़ आप लोगों ने थोड़ी बहुत इन बच्चों के आगे रख दी तो ये इन्होंने वैसे ही आदि हो जाना है तो ये देखें कैट अब दूध पी रही है जब से ये इनके बेबीज़ हुए हैं तो हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूध देते हैं फीड देते हैं और ये इनको बाज़ा चिकन भी देते हैं लेकिन हम लोग इनको चिकन ऐसे बॉयल करके ठंडी करके इसको फिर देते हैं जो जो इसको हम लोग दूध देते हैं वो इसको नीम सा गर्म करके फिर हम लोग इसको देते हैं क्योंकि सर्दी होती है तो हमें ज़रा होता है कि इसका गला ना ख़राब हो जाए तो अगर इसका गला ख़राब हो तो इसके बच्चों पर भी इन्फेक्शन होगा तो इसलिए बहुत ही इसकी हम लोगों को इसकी केयर करनी पड़ रही है जो इसका घर है वो भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से ढांपा होता है रात को ताकि इसके अंदर सर्दी ना जाए और थोड़ी देर के लिए हीटर भी ऑन कर देते हैं ताकि इसका कमरा जो है अच्छे से गर्म हो जाए बहुत ही इनका ख्याल रखना पड़ता है इनका हमें ये देखें बहुत ही मशाला आपस में खेल रहे हैं ऐसे ऐसे ही बस सारा दिन ऐसे ही इनका चलना फिरना होता है तो अब ये फिफ्टीन डेज़ के हो गए तो अब थोड़े थोड़े ये चलते भी हैं तो सारा दिन काफ़ी इन टाइम इन पर लगाना पड़ता है मेरे हस्बैंड भी काफ़ी इनको देखते हैं मैं भी ज़रा देखती हूँ इनका बहुत ही ख्याल रखती हूँ जो बड़ी कैट है ये अपने लिए मतलब के जो इसने वाशरूम जाना होता है इसका जो वाशरूम का इंतज़ाम है वो हम लोगों ने बाहर रखा हुआ है तो ये जब इसे वाशरूम करना होता है तो ये बाहर जा खुद ही कर लेती है मेरी बेटी भी पास बैठी हुई है देख रही है इनको तो हा, वैसे हार्ड नहीं लगाती इनको अभी वो दूर दूर से अभी इनको प्यार करती है बड़े मस्तियाँ करते हैं इनके माशाल्लाह बच्चे वो बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी दूध पिए लेकिन अभी वो छोटे हैं तो इसलिए वो दूध नहीं पी सकते हैं ये देखें इसने माशाल्लाह सारा से दूध ख़त्म कर लिया ये कैट ना अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है ये इसका जो स्टाइल है प्यार करने का ये ना जबान से अपने सारे बच्चों को बहुत ही चाटती है जैसे हम लोग अपने बच्चों को पारी वगैरह करते हैं ये भी ऐसे ही बिल्कुल अपने बच्चों को प्यार करती है पहले तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी लेकिन जब से हम लोगों ने ये रख ली है घर में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में पता लग गया है कि इनके बारे में सारी नॉलेज मुझे आ गई है इतनी ज़्यादा भी नहीं है लेकिन जितनी मुझे है मैं आप लोगों के साथ सारी इनकी जो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ इनकी नॉलेज ये देखें अपने बच्चों को मुसलसल ये प्यार ही किए जा रही है ये देखें इसकी आइज़ बहुत प्यारी है और इसकी बच्चों की भी आइज़ बहुत प्यारी है अभी इनके बच्चे ज़रा छोटे हैं जैसे जैसे जब बड़े होते जाएंगे ज़रा ज़रा खूबसूरत होते जाएंगे और उनकी आइज भी ज़्यादा ही प्यारी हो जाएंगी अभी इतना कलर का पता नहीं लग रहा है इनके बच्चों का आइज़ का कलर क्या है लेकिन जब ऐसे ऐसे जब बड़े होंगे तो तो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे इनकी आइज़ ये देखें मम्मा के अपने ऊपर ही चढ़ रहे हैं मम्मा के माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं हमें बहुत प्यारे लगते हैं हमें इनके जो बेबीज़ हैं वैसे रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो जो सारे ऐसे अपनी मम्मा के बिल्कुल साथ सारे चिमट के ऐसे ही रात को ये सोते हैं तो जो ये कैट है इनको सबको अपने नीचे लेके ऊपर खुद बैठ जाती है ताकि जो इसके बच्चे हैं वो बिल्कुल उन्हें सर्दी ना लगे तो ये बहुत ही अपने बच्चों का ख्याल खुद भी बहुत ही ज़्यादा बच्चों का अपने का ख्याल रखती हैं तो सारा दिन इनके पास ही रहती है बहुत ही कम ये बाहर निकलती है कमरे से तो पहले जब बच्चे नहीं तो ये काफ़ी बाहर फिरती थी लेकिन अब नहीं ये बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं जाती जब से इसके बच्चे हुए ही बच्चों के बिल्कुल ही पास रहती है जैसे हम लोग ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का ये भी बिल्कुल ही वैसे रखती है जो इसके ये देखें ये वाला जो इसके थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक है और इसमें एक जो इसका बेबी है वो गोल्डन कलर में भी है उसके जो ऊपर से बाल हैं वो सारे उसका चेहरा भी सारा गोल्डन कलर में है तो ये सारे तकरीबन डिफरेंट डिफरेंट में हैं इसमें जो अभी भी छोटे हैं ना अभी इतने प्रोमिनंट नहीं हो रहे जैसे जैसे जो बड़े होंगे ज़्यादा प्रोमिनंट इसके कलर हो जाने इसमें एक जो एक जो इसका बेबी है उसके जो नोज़ पे वो तिल है ये देखिए इसके नोज़ पे बड़ा सा तिल है बहुत ही प्यारा लगता है इसके नोज़ पे तिल ये बना हुआ जब ये प्यारा होते तो बिल्कुल ही छोटे से थे लेकिन ऐसे आता माशाल्लाह बहुत जल्दी इन्होंने ग्रोथ की है तो काफ़ी अब माशाल्लाह बड़े बड़े से हो गए अब आप देखें ये जो इनके जो बेबीज हैं ना वो सारे इधर उधर कमरे में ना सारे बिखर जाते हैं खुद ही ऐसे ऐसे चल के ये जाते हैं बहुत ही स्लो स्लो ये चलते हैं लेकिन जब भी कोई बच्चा थोड़ा सा भी दूर चले जाए तो जो कैट है वो फ़ौरन ही उसके पीछे चलती है ये देखें उसके पीछे आ गई है ये थोड़ा सा दूर गया है इससे तो इसने फ़ौर ये कैट को अपने मुँह में उठा लेना है उठा के तो इसे वापस अपने घर में ले जाना है इसने मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सारा सीन ये देखें इसने मुँह में उठा लिया है ये देखें उठा के इसने अपने घर के अंदर ले जाना है ये इतनी सेफ अपने बच्चों की इतनी हिफाजत करती है ये कैट ये देखें अपने अंदर ले गई है बच्चों को बिल्कुल भी दूर नहीं जाने देती थोड़ा सा दूर जाए तो कोई मसला नहीं अगर ज़्यादा दूर चले तो फ़ौर ही अपने मुँह से अंदर ले जाती है उसको जैसे हम लोग अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं जानवर भी बिल्कुल ही ऐसे अपने बच्चों का बहुत ही ख्याल रखते हैं ये माशाल्लाह सारे बच्चे अंदर चलेंगे तो रात को भी जब सोना होता है तो इन्होंने अंदर ही चले जाना होता है लेकिन फिर भी कुछ बच्चे शरारती होते हैं फिर बाहर निकल आते हैं कैट फिर उनको उठा के अंदर ले जाती है जैसे हमारे बच्चे शरारती होते हैं ये भी बिल्कुल ही ऐसे हैं तो मेरा गला ज़रा ख़राब है तो प्लीज़ मेरी अगर आवाज़ बहुत ही भारी आ रही है तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को कर, इग्नोर करें आप लोग आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके हाफिज़